हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल केमटॉक्स बाय पूजा मलिक सो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा होने के बाद हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू जिसके अंदर आपको चारों ही यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है वो यूनिट्स हमने स्टार्ट भी कर दी है फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं दैट इज़ इन्फ्रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट अगर आप में से किसी ने वो वीडियो अब तक नहीं वॉच किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ आपको लिंक मिलेगा एंड आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं इस सीरीज की सबसे खास बात यह है बच्चों कि अगर आप इन वीडियोज को देख रहे हो तो आपको इस यूनिट के सारे ही मेन क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे एंड वो भी सॉल्व और साथ ही में आपको रिटर्न मैटर भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप कौन कौन से पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि आपको सॉल्यूशन भी रिटर्न थ्योरी के साथ दिया जा रहा है सो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अमीज़ उसकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है मीन्स का एंड इसी यूनिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे सो काइंडली वॉच दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल काइंडली गिव इट अ लाइक नाउ लेट स्टार्ट विद इट्स क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्ड इज गिव आई यू पैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो so, बच्चे जो आई यू पैक नेम की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे हुए बट जब भी हम कोई नया फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं तो उसका आई यू पैक जरूर पढ़ते हैं सो so, एक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा भी जा सकता है तो so, हम देख लेते हैं आई यू पैक कैसे होता है देखो बच्चों आई यू पैक के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो सब तो यहाँ अप्लाई ही होते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें यहाँ पे एन एच टू है तो एन एच टू के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अमीन और कुछ कॉम्प्लेक्स अमीन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं लाइक like जिसमें कोई जो पेरेंट कार्बन चेम है वो बहुत लंबी है और उस पर जो एन एच टू ग्रुप है वो सब्सटीट्यूशन की तरह प्रेजेंट है मतलब सब्सटीट्यूटेड ग्रुप की तरह प्रेजेंट है उस केस में हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं अमीनो ए एम आई एन ओ सो ये आपको नॉमनक्चर में याद रखना है अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें जो आपको दिख रहा है इसका नॉमनक्लेचर हम कैसे करेंगे बच्चों देखो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारी पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है दैट इज ऑफ फाइव कार्बन तो हम इसके लिए पेंटेन लगाएंगे चेन में और उसी में आप देख सकते हो जो सेकेंड कार्बन है उस पर सब्सिटीट्यूशन प्रेजेंट है एक इथाइल अमीन ग्रुप प्रेजेंट है सो so, क्योंकि यहाँ पर एनएच टू नहीं एनएच है और ये एज प्रीफिक्स लगेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टू एन इथाइल अमीनो पेंटेन एन नाइट्रोजन कैपिटल में हमने क्यों लिखा है क्योंकि जो इथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से ही अटैच्ड है ठीक है अमीनो ग्रुप के सो इस तरह से आप इसका नॉर्मेंटली चेक कर सकते हो मूविंग ऑन टू द्वेश्चन विच टाइप ऑफ अमीज आर प्रिपेयर इन गैब्रिल थेमाइड रिएक्शन बच्चों जब हम अमीज की प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है प्रिपरेशन का दैट इज गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन सो गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन से हम कौन से अमीज प्रिपेयर कर सकते हैं ये वन मार्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसमें बस आप बताओगे दैट गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एलिफैटिक और एरा एराल एलकाइल प्राइमरी अमीज बेसिकली इससे हम प्राइमरी अमीज ही बना पाते हैं ठीक है थीके? तो उसी के लिए बेस्ट मेथड्स होते हैं सेकेंडरी टर्शरी प्रिपेयर नहीं कर पाते तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिखोगे ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू दर्ड क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन सो इन थर्ड क्वेश्चन गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में शॉर्ट नोट पूछा हुआ है एंड इसके मतलब पूरी रिएक्शन और मैकेनिज्म के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो सभी हम इस क्वेश्चन में एक साथ कवर कर लेते हैं बच्चों जब भी आपको किसी नेम रिएक्शन पे शॉर्ट नोट आ रहा है तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो उसके बारे में ये बताओगे कि वो रिएक्शन में क्या होता है ठीक है वो रिएक्शन हम यूज किस लिए कर रहे हैं उस रिएक्शन में हम किस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं देन आप एक एग्जाम्पल लिखोगे एंड एग्जाम्पल लिखने के बाद देन आप क्या करोगे उसका मैकेनिज्म शो करोगे सो so, सबसे पहले हम बताते हैं गैबल थैलमाइड रिएक्शन का यूज़ क्या है ऑब्वियसली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीज जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चों इस रिएक्शन में हम इनिशियली एक थैलोमाइड लेते हैं उसका रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्काहलाइड और रिएक्शन के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलता है थैलिक एसिड और प्राइमरी अमीन सो ये सभी पॉइंट्स आप अपने आंसर में मैंशन करोगे उसके बाद आप एक एग्जांपल दोगे यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया है देखो एक एन इथाइल थैलामाइड लिया है ठीक है उसका जब हमने रिएक्शन कराया ठीक है गैबिल थैलामाइड तो उसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिला देखो थैलिक एसिड और इथाइल इथाइलमिन क्योंकि देखो जो एन इथाइल थैलेमाइड था जो उसका जो सी टू एच फाइव एन ग्रुप है उसके साथ एच टू लग जाता है ये कैसे होता है ये हम मैकेनिज्म के थ्रू ही समझ सकते हैं अब इसका देखते हैं स्टेप वाइज रिएक्शन कैसे कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है तो सबसे पहले हम एक थैलेमाइड मॉलिक्यूल लेंगे इस थैलेमाइड मॉलिक्यूल को हम पोटासियम थैलेमाइड में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इसके पोटासियम सॉल्ट में कैसे उसका रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा के रिएक्शन के बाद आप देखो पहले एनएच था अब हमें क्या मिल गया एन माइनस के प्लस तो ये पोटेशियम थैलोमाइड बन गया इस पोटेशियम थैलोमाइड का हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे एलकाइल या फिर एराइल एलकाइल हेलाइड के साथ जो भी हमें ग्रुप चाहिए फाइनल अमीन में उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल ये हमने एक एल्काइल हेलाइड ले लिया आर एक्स जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे इसको हीट करेंगे पोटेशियम थैलोमाइड के साथ तो क्या होगा के एक्स एक साथ निकल जाएगा और जो आर ग्रुप था वो एन माइनस के साथ आके जुड़ जाएगा सो so, अब हमें क्या मिला प्रोडक्ट एन एल्काइल थैलामाइट यानी कि नाइट्रोजन सब्सटीट्यूटेड थैलामाइट अब इस जब नाइट्रोजन सबसे टूटे थैलामाइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बच्चों तो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें क्या मिलेगा थैलिक एसिड और प्राइमरी अमीन आप देख सकते हो ये कैसे हुआ यहाँ पे जो एन आर वाला बॉन्ड है ठीक है हाइड्रोसिस के बाद जो एच था वो इसके साथ जुड़ गया और बाकी क्या थे ओ OH, एच दोनों ओ एच मॉलिक्यूल सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ के क्या बना लिया सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच ग्रुप उसी को हम थैलिक एसिड बोल रहे हैं और जब हाइड्रोजन दोनों जुड़ गए आर एन ग्रुप के साथ तो वो क्या बन गया आर एन एच टू यानि कि हमारा प्राइमरी अमीन। सो इस तरह से गैबल थैलेमाइड रिएक्शन प्रोसीड करता है नेम रिएक्शन में सबसे पहले आप किस लिए रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं हम वो लिखोगे देन उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी देन एग्जाम्पल एंड देन यू विल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अगर दो मार्क्स में आ रहा है तो फिर मैकेनिज्म आपको सिर्फ ड्रॉ करना है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अगर तीन मार्क्स में पूछा जाए तो आप मैकेनिज्म को स्टेप वाइज एक्सप्लेन भी करोगे लाइक like जो हो रहा है उसको लैंग्वेज में लिखोगे लाइक थेलोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम थेलमाइड एंड सो ऑन सो इस चीज़ को आप ध्यान रखना नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ओके और इसको दूसरी तरीके से भी पूछा गया लाइक राइट द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड तो बच्चों दोनों ही रिएक्शन में हमें सेम तरह से प्रोसीड करना है ठीक है नेम रिएक्शन है तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे सबसे पहले वही किस लिए रिएक्शन है वो लिखोगे देन उसका थ्योरी एग्जाम्पल और मैकेनिज्म So, जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है ऑब्वियसली ये भी हम अमीन्स के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं इसमें भी जनरली हम प्राइमरी अमीन्स ही प्रिपेयर करते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है इनिशियली हम एक अमाइड लेते हैं उस अमाइड का हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एन अल्कलाइन सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल केवे सॉल्यूशन और रिएक्शन के बाद जो अमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीन में ठीक है और बस इनमें एक चीज का ध्यान रखनी है जितने भी कार्बन आइटम्स अमाइड में होंगे उससे एक कम अमीन में होता है ऑब्वियसली क्योंकि जो सी डबल बॉन्डो ग्रुप है वो रिमूव हो गया उसमें से तो एक कार्बन कम हो गया सो so, ये आप पॉइंट इसमें लिखोगे वेन ट्रीटेड विद ब्रोमिन और क्लोरिन इन एन एल्कलाइन सोल्यूशन एन अमाइड फॉर्म्स एन अमीन कंटेनिंग वन कार्बन आइटम लेस देन दी स्टार्टिंग अमाइड उसके बाद आप ये रिएक्शन लिखोगे आर सी ओ एन एच टू प्लस बी आर टू प्लस के ओ एच गिव आर एन एच टू प्लस के टू सी आर ओ थ्री प्लस के बी आर प्लस एच टू एक तो ये रिएक्शन आप लिखोगे इसका एग्जाम्पल आप जैसे उसमें पूछा हुआ है ना कि बेंजामाइड के लिए बताओ तो आप वो एग्जाम्पल देके भी बता सकते हो कि जो बेंजामाइड है उसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनोलिन में क्योंकि सी ओ एन एच टू से ग्रुप क्या हो गया बेंजीन पे एन एच टू सो एनोलिन मिला साथ में के टू सी ओ थ्री प्लस के बी आर प्लस एच टू नाव मूविंग ऑन टू इट्स मैकेनिज्म अगर इसके मैकेनिज्म को हम समझे तो स्टेप वाइज आप मैकेनिज्म लिखोगे एंड अगर वेटेज ज्यादा हो तो उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से करना है लिखकर भी सो so, सबसे पहले इसमें स्टेप क्या होता है देखो यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशीज होती है यानी कि जो अमाइड पे अटैक करेगा वो होता है हाइपो ब्रोमाइड आयन दैट इज ओ बी आर माइनस अभी ओ बी आर माइनस आयन बनता कैसे है कहां से आता है वो देखते हैं जो ब्रोमीन होता है उसका सॉल्यूशन हम हम रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ जनरली हम के का सॉल्यूशन लेते हैं सो so जब बी आर टू और के इनिशियली रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं के ओ बी आर प्लस के बी आर प्लस एच टू सो इसमें ही जो के ओ बी आर है उसमें जो एनायन है दैट इज हाइपोब्रोमाइट यानी कि ओ बी आर माइनस यही अटैकिंग स्पीशीज होता है अब ये ओ बी आर माइनस यानी कि हाइपोब्रोमाइट आयन अटैक करता है अमाइड मॉलिक्यूल पे जब ये अमाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो इसमें से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन तो निकल जाएगा ओ एच माइन फॉर्म में और जो ब्रोमीन है वो नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा दैट मीन्स जो अमाइड था उसका हेलोजिनेशन हो गया एंड हमें प्रोडक्ट में क्या मिला एन हेलो अमाइड अब इस एनो एन हेलोमाइड पे जो हमारा भी ओ एच माइनस निकला वो वापस आके जब इस पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली वो एक प्रोटोन को एब्सट्रैक्ट करना चाहेगा इसमें जो नाइट्रोजन पे प्रोटोन प्रेजेंट है ये ओ एच माइनस उसको एब्सट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमारे पास एक एनायन बन जाता है ये एनायन स्टेबल होने के लिए क्या करता है ब्रोमीन को रिमूव करा देता है तो यहाँ पे हेलाइड का लॉस होता है ब्रोमाइड निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है नाइट्रीन जैसा कि आप स्टेप में देख सकते हैं हमें क्या मिल गया आर सी डबल बॉन्डो एन प्लस बी आर माइनस अब जो ये आर सी डबल बॉन्ड एन बना यानी कि नाइट्रीन ये इतना स्टेबल नहीं होता है इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है बेसिकली यहां पर वन टू एल्काइल शिफ्ट होता है और इस वन टू एल्काइल शिफ्ट के बाद एक आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है ट यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ देखो जो आर ग्रुप एल्काइल शिफ्ट हुआ है तो आर ग्रुप सी से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया तो अब हमारा ग्रुप क्या बन गया आर एन डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड सी इसी को हम आइसोसाइनेट बोलते हैं अब फाइनल स्टेप में क्या होता है इस आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस होता है और आर टू फॉर्म होता है और साल में कार्बोनेट अनाइन भी फॉर्म होता है सो so, इस तरह से हम इन स्टेप्स को फॉलो करके यूजिंग हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन हम माइट से अस का प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दिस वॉज द्लीट आंसर विच यू हैव टू मैं क्वेश्चन इज आस्ड इन दूविंग ऑन टू द्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज बेसिकलीपरेशन टू पार्ट है फर्स्ट इज हाउ विल यू प्रिपेयर एनलीन फ्रॉम बिन्स अट एंड सेकेंड र एनलिन फ्रॉम टॉलोविन ठीक है सो इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे कैसे होगा सबसे पहले उसने पूछा है एनिलिन बनाओ बेंजामाइड से वैसे क्वेश्चन बेटा एक मार्क में ही पूछा जाता है तो हम इसको वन मार्क में ही एक लाइन के हिसाब से ही लिख देते हैं ठीक है लाइक आप इक्वेशन मतलब जो भी कन्वर्जन है रिएक्शन के थ्रू वो दिखाओगे एंड उसको आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो अगर दो मार्क्स में पूछा जाए तो आप स्टेप वाइज एक्सप्लेन करके लिख दो ठीक है चलो सबसे पहले हम बेंजामाइड लेंगे यानी कि बेंजीन के ऊपर सीओ एन एच टू ग्रुप उसका रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन और केवेच के साथ जो कि हमने हॉफमैन मैन ब्रोमामाइड में किया था हमें ये तो करना है बेंजामाइड से एनोलिन बनाना यानी कि अमाइड से अमीन तो यहाँ पे हम बी आर टू और केवेच का के सॉल्यूशन ऐड करेंगे और सी एन एच टू ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा रिड्यूस ओके एनएच टू में साथ में के टू सी आर ओ थ्री के बी आर और एच टू का फॉर्मेशन होगा सो दिस वॉज योर फर्स्ट कन्वर्जन सेकेंड कन्वर्जन आप देखो एनलिन फ्रॉम टॉलवीन सो so, इस कन्वर्जन को आप कैसे करोगे सबसे पहले टॉलुइन लेंगे यानी कि बेंजीन के ऊपर सी एच थ्री ग्रुप उसका रिएक्शन कराएंगे एल्कलाइन के एमनो फोर सोल्यूशन के साथ तो ये एल्कलाइन के एमनो सोल्यूशन क्या करेगा इस टॉलुविन को ऑक्सीडाइज कर देगा तो जो सी एच थ्री ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सी ओ एच में यानी कि हमें क्या मिल गया बेंजोइक एसिड अब इसका जब हम एमोनोलिसिस uh, करेंगे यानी कि इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे तो ये जो सी ओ एच ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा अमाइड में यानी कि सी ओ एन एच टू में सी ओ एन एच टू से तो हम इजीली एनिलिन प्रिपेयर कर ही सकते हैं इसका वापस हम हॉफमैन मैंडोमाइड रिएक्शन करेंगे यानी कि बी आर टू और के के साथ और आपको क्या मिल जाएगा एनालिन जो कि हमें प्रिपेयर करना था सो दिस वॉज ऑ ऑल अबाउट योर आंसर नंबर फाइव अगर कोई भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है तो मैं फिर रिपीट करी यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इक्वेशन लिख के दिखाई है मतलब कैसे कन्वर्जन हो रहा है स्टेप वाइज अगर ज्यादा वेटेज हो तो आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो दैट यू नो वी टेक टॉलोविन एंड मेक इट रिएक्शन विद एल्काइन केमनोफोर विच ऑक्सीडाइजेज इन टू बेंजोइक एसिड देन वी रिएक्टेड विद अमोनिया सो यह आप लैंग्वेज में लिख दो वेटेज ज़्यादा है ठीक है ताकि आपको मार्क्स कंप्लीट मिले क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई इथेनामाइन इज मोर रिएक्टिव देन एनली सो यहाँ पे आपको दो अमीज़ दिए गए और पूछा गया कि इथेनामाइन यानी कि सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है एज कम्पेयर टू एनलिन यानी कि सी सिक्स एच फाइव एन एच टू सो इसको आप बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करोगे सबसे पहले आप ये बताओगे कि अमीज़ की रिएक्टिविटी हम कंपेयर किस बेसिस पे करते हैं तो अगर हमें चेक करना है कौन सा अमीन कितना रिएक्टिव है तो उसके लिए जो अमीन में नाइट्रोजन आइटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं हम उसको देखते हैं उसकी प्रेजेंस से ही पता लगता है कि ये रिएक्टिव हो या नहीं जितना ज़्यादा वो लोन पेयर अवेलेबल होगा शेयरिंग के लिए जितना इजीली वो लोन पेयर दे देगा अपना वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा एंड उतना ही ज़्यादा बेसिक भी होता है सो तो अगर हम इथेनामाइन की बात करें यानी कि सी टू एच फाइव एन एच टू में तो यहाँ पे जो एन है नाइट्रोजन जिसपे लोन पे है, जो ग्रुप अटैच है, है, है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है नाइट्रोजन को सो so सी टू एच फाइव के प्रेजेंस पे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनिस्टी इंक्रीज हो जाएगी दैट मीनस कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है ही गए तो उसको अपना लोन पेय देने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो इजिली अपना लोन पे शेयर कर सकता है सो ऑब्वियसली इसका लोन पेयर अवेलेबल होगा शेयरिंग के लिए तो ये क्या होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा अब एनोलिन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है एनोलिन के पास क्या लोन पेयर नहीं है लोन पेयर तो उसके पास भी है फिर वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं है उसका रीजन बच्चों ये है कि जो एनोलिन होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है हमें पता ही है कि जो एनोलिन होता है उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं रेजोनेंस चलती रहती है कॉन्टीन्यूस रिंग में उसके फाइव स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग एंड जो लोन पेयर होता है वो उसी में इन्वॉल्व होता है तो लोन पेयर जब अवेलेबल ही नहीं है अगर कोई प्रोटोन आता भी है कहता है मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दो बट उसके इलेक्ट्रॉन तो कहीं गए हुए हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है उस टाइम पर जब प्रोटोन को जरूरत है तो ऑब्वियसली इसका जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी बच्चों अगर एग्जाम में आपको ये वन मार्क में पूछा जाता है तो जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आप ये सब पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो अगर उससे ज्यादा वेटेज में पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हो इनका मतलब शो कर सकते हो लाइक स्ट्रक्चर बना दिया सी एच थ्री एन एच टू का है ना और फिर दिखा दिया उसमें प्लस आई इफेक्ट कैसे हो रहा है फिर एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन विद नेचर हो रहा है शो कैसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है लोन पे और क्यों रिएक्टिविटी कम है तो इसमें आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो फाइन चलो नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन राइट हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमीन्स सो क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा हुआ है हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमीन्स बताओ एंड एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चर बनाओ हिंसबर्ग रिएजेंट का और उसका नाम बताओ ठीक है सो so, ये दोनों ही क्वेश्चन हम इसी में कवर कर लेंगे ठीक है जी सो so, सबसे पहले अगर हम बात करें हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम यानी कि हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोल तो रहे हैं बट किस मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं किस कंपाउंड को बोल रहे हैं सो बेसिकली इसका नाम होता है पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड इसका स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं बेंजीन रिंग से उसकी पैरा पोजिशन पे एक जगह तो हमारे पास क्या है टोलुइन और उसकी पैरा पोजिशन पे क्या जुड़ा हुआ सल्फोनिल है सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप यानी कि एस ओ टी सी सो इस तरह से हिंसबर्ग रीजन का स्ट्रक्चर होता है अब ये हिंसबर्ग टेस्ट क्या है अमींस के लिए हम इस टेस्ट को क्यों प्रोसीड कर रहे हैं इस टेस्ट का क्या बेनिफिट है तो बेसिकली हमें पता है कि जो अमींस है वो तीन तरह से क्लासीफाइड होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीज को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए ही हम हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं अब देखो हिंसबर्ग टेस्ट किस लिए हो रहा है एक डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट है केमिकल टेस्ट है जो कि पताने के लिए हेल्प करेगा कि कौन से टाइम ऑफ अमीज हमने रिएक्शन में यूज किया है अब इसको करेंगे कैसे सबसे पहले हम अमीन लेंगे उसमें हिसबर्ग रेजेंट ऐड करेंगे एंड रिएक्शन के बाद जिस तरह का हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि क्या हमने प्राइमरी अमीन लिया सेकेंडरी अमीन लिया या फिर टर्शरी अमीन लिया सो so, कैसे पता लगेगा कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इनमें अलग अलग तो वो हम देख लेते हैं अगर प्राइमरी अमीन होता है तो एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है सेकेंडरी अमीन होता है तो एक इन्सॉल्यूबल कंपाउंड आपको दिखता है और टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं इस बग्रेजेंट के साथ तो इनको हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अब ये क्लियर सॉल्यूशन क्यों बना इनसॉल्यूबल कंपाउंड क्यों बना अगर आपको बच्चों वन मार्क्स में वन पॉइंट फाइव मार्क्स में ठीक है पूछा जाता है या टू मार्क्स में पूछा जाता है तो आप मतलब वन पॉइंट फाइव मार्क्स तक आप इतना बता सकते हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया नाम स्ट्रक्चर और क्या इसकी डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है बट अगर दो मार्क्स में या तीन मार्क्स में पूछा जाता है तो आप फिर रिएक्शन भी लिख के दिखाओगे कि कौन सी रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राइमरी अमीन लें आर एन एच टू उसका रिएक्शन जब हम कराएंगे टोसाइल क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनोमाइड यानी कि देखो आप देख सकते हो जो हमारा टोसाइल क्लोराइड है पूरा उसमें जो लास्ट में हमारे पास एसोटू ग्रुप था उसमें से क्लोरीन निकल के क्या जुड़ गया एन आर माइनस एन ए प्लस एंड इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्लियर सॉल्यूशन होता है जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे प्राइमरी अमीन ही इन्वॉल्व था अगर बात करें सेकेंडरी अमीन्स की तो सेकेंडरी अमीन्स में क्या होगा जब हम सेकेंडरी अमीन लेंगे आर टू एन एच उसका रिएक्शन कराएंगे क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन बेस तो क्या होगा जो एस ओ टू के साथ सी एल था वो निकल के क्या जुड़ जाएगा उससे NR2 टू ग्रुप ये जो हमारे पास अब बना सॉल्ट ठीक है ये क्या होगा इन होगा ठीक है जी क्योंकि ये इन्सॉल्यूबल होगा तो जब इन्सॉल्यूबल कंपाउंड में ना तो हम बता देंगे भाई टू डिग्री अमीन लिया होगा एंड थ्री डिग्री अमीन के लिए तो सबसे ही सिंपल है ये तो रिएक्ट करता ही नहीं है तो अगर रिएक्शन हुई नहीं तो हमने अमीन लिया उसमें हमने डाला इंसबग्री एजेंट बट कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ दैट मीन्स कि वो टर्शरी अमीन ही था सो so, इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो मूविंग ऑन टू द एथ क्वेश्चन राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड डाई अमीन सो so, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें भी हम हिंसबक रेज़ेंट यूज़ कर सकते हैं हमें पता है जो मिथाइल अमीन होता है वो क्या होता है वन डिग्री अमीन और डाई अमीन होता है टू डिग्री अमीन सो so, अगर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों तो यहाँ पे भी हम हिंसबक रेज़ेंट यूज़ करेंगे बच्चों अगर आपको ये वन मार्क में या वन पॉइंट फाइव मार्क्स में आता है ठीक है तो आप इसमें बस ये जो अभी मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ आप वो लिखोगे बट अगर ऐसा होता है कि आपको पूछा जाता है टू मार्क्स में या थ्री मार्क्स में तो आपको फिर रिएक्शन भी बतानी पड़ेगी है ना तभी तो आपका आंसर कंप्लीट होगा सो so, उस केस में आपको रिएक्शन भी याद होनी चाहिए कि कैसे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है सो so, उसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे होगी रिएक्शन सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब ये रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमीन हिंसबक रिएजेंट के साथ तो क्या बनाएगा एन मिथाइल बेनजीन सल्फोनोमाइड जो कि के ओ एच यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है सोल्यूबल होता है तो हमें पता लग जाएगा भाई मिथाइल लमीन है उसी जगह पे अगर हम देखें डाई मिथाइल लमीन अगर हम डाई मिथाइल लमीन लेंगे तो ये क्या करेगा क्योंकि सेकेंडरी है तो ये रिएक्ट करके बनाता है एन एन डाई मिथाइल बेनजीन सल्फोनमाइड और जो प्रोडक्ट ये बन रहा है ये इन होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये मिथाइल लमीन है या डाई मिथाई लमीन अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आप ऐसे ही लिखोगे पहले हिंसबक रिएजेंट का बनाओगे ठीक है डाई वो स्ट्रक्चर और उसके बाद क्या यूज़ कर रहे हैं मिथाइल मिथाइलमिन तो ये हो गया सी एच थ्री एन एच टू तो हमें पता ही है यहाँ पे क्या होगा एच सी एल निकल जाएगा ठीक है सी एच थ्री ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ गया एन एच के साथ ये बन गया एन इथाइल बेंजीन सल्फोनोमाइड और इसके हाइड्रोलिस के बाद यानी कि के ओए एच सॉरी हाइड्रोलिस के बाद नहीं KOH के ओ एच के रिएक्शन के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा एक ए, एनायन फॉर्म हुआ है ठीक है जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है जो पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म हुआ है सो so, ये रिएक्शन भी आप बता सकते हो सेकेंड अगर हम डाईमिथाइल ले रहे हैं अमीन, तो उसमें सिमिलरली हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन हुआ सी एच सी ट्वाइस एन के साथ और क्या बना बेंजीन एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और साथ में एन सी एच थ्री सी एच थ्री अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो K के प्लस आके उसकी जगह जुड़ ही नहीं सकता तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सॉल्ट फॉर्म नहीं होता और ये इनसॉल्युबल होता है तो ये इसमें डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट है अगर यही क्वेश्चन आपको तीन मार्क में आता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है पहले आप बताओ कि हम डिस्टिंग्विश हिंसबग्रेजेंट से करेंगे फिर हिंसबग रेजेंट का फॉर्म वो बताओ स्ट्रक्चर उसका फॉर्मुला बताओ कि सल्फोनिल क्लोराइड होता है ठीक है ये पॉइंट पिछले वाले आंसर में कवर हो गए थे इसलिए मैंने पे दोबारा स्ट्रक्चर और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया बट आप इसमें वो ऐड कर सकते हो एंड देन बताओगे कौन सा क्या प्रोडक्ट देगा ठीक है जी नाउ मूविंग ऑन टू दाइन्थ क्वेश्चन वाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनलिन गिव पुअर हील्ड सो एनोलिन के बच्चों हम बहुत सारे रिएक्शन करते हैं हेलोजिनेशन करते हैं नाइट्रेशन करते हैं सल्फोनेशन करते हैं बट अगर हम उसके फीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वो ज़्यादा अच्छी हील्ड नहीं देता उसका रीज़न क्या है वो आपको पूछा गया ये क्वेश्चन वन मार्क में पूछा गया है, तो इसमें आप बताओगे कि फीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं यानी कि चाहे हम एल्काइलेशन करें या साइलेशन करें उसमें हम क्या करते हैं एनोलिन लेंगे और उसका एल्काइल हराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूएस एसिड ठीक है जो कि ये कैटलिस का काम कर रहे हैं यहाँ पे हम ए एल सी ले रहे हैं नॉर्मल अगर हम किसी और का जब कराते हैं यहाँ पे हेलोजिनेशन सॉरी फ्रिडल क्राफ्ट एल्कालेशन तो उनमें क्या होता है सिंपली अल्काइलेशन एसाइलेशन हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती बट जो एनलिन है ना उसमें जो ग्रुप है वो से रिएक्ट करने से पहले लुएस एसिड के साथ ही रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेता है जो कि आप रिएक्शन में देख भी सकते हो बेंजीन के ऊपर एन एच टू प्लस ए एल सी एल थ्री माइनस सो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था यानी कि जिसमें हमें ऑर्थो और, तो और पैरा पे आ, हमारा ग्रुप मिलना था सी एच थ्री ठीक है वो तो आया ही नहीं यहाँ पर तो कुछ और ही प्रोडक्ट बन गया इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेशन एसाइलेशन से अच्छी यील्ड नहीं मिल पाती फाइनल प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है उसमें भी जो क्वान्टिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती Because of this salt formation between aniline and Lewis acid alcl so these points you can write or equation be apply. mark two mark. Moving on to the next question. Question number ten. What will be the order of basicity of aliphatic amines in organic solvents or gaseous state? तो एक तो आपको बेसिटिस ये क्वेश्चन पूछा गया कि एलिफैटिक अमीन्स का ऑर्डर बताओ बेसिसिटी का अगर हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ले रहे हैं या गैशियो स्टेट में ले रहे हैं या फिर दूसरा इसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शी अमीन सिमिलर क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट और एक और इसी में जो सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया दैट वॉज अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन order for CH three NH two, CH three two NH and CH three three N in aqueous थ्री So एन इन एक्वीडियम सो बच्चों बेसीसिटी से related रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार so obviously एक important topic है exam से related यहाँ पे मैं आपको एक बार ओवरऑल बेसिटी explain कर रही हूँ इस answer में आपको क्या क्या points mention करने हैं but अगर आपको detail में बेसिटी समझना है तो उसमें amine's की बेसिस टी के ऊपर मेरे पास अलग से video भी uploaded है channel में उसका link आपको description में मिल जाएगा आप जाके वो भी देख सकते हो ताकि आपको क्लियर रहे सो स्टार्ट करते हैं अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे कि हम ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं इनिशियली सो द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एलिफेटिकमीज कैन बी एक्सप्लेन विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट यानी कि जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं ठीक है थीके? उसके बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे देखो अगर हम एलिफैटिक अमीज की बात कर ही रहे हैं तो इसमें चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्सरी हो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनिसिटी को इंक्रीज़ करें क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिसिटी दे रहे हैं नाइट्रोजन को तो उसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी तो इंक्रीज़ हो गई अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो प्रेजेंट ही था उस पर इलेक्ट्रॉनिसिटी और इंक्रीज हो गई तो नाइट्रोजन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना लोन पेयर किसी और से शेयर करने पर क्योंकि अगर उसने शेयर कर भी दिया तब भी उसके ऊपर कोई कमी नहीं आएगी इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है सो so, इसी वजह से अब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ईजिली अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए तो नाइट्रोजन ईजिली अपना लोन पे दे सकता है एंड इसी को तो हम बेसिटी कहते हैं टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इसी को हम बेसिटी बोल रहे हैं सो so, यहाँ पे बेसिटी बढ़ गई अब ऑब्वियसली जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए यानी कि उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनिसिटीटी बढ़ गई और इसी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा हुआ और बेसिटी भी उस अमीन की उतनी ही बढ़ जाएगी सो so, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बताएं कि क्या ऑर्डर होना चाहिए बेसिसिटी का तो बच्चों ये आता है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक टर्शरी मीन्स होंगे देन सेकेंडरी मीन्स एंड देन प्राइमरी मीन्स बट जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो जैसे इन्होंने पूछा है कि भाई गैशियस स्टेट में बताओ ऑर्डर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए ऑर्डर बताओ तो गैशियस फेज में तो देखा गया तो यही ऑर्डर मिला कि टर्शरी का ज़्यादा फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी और लास्ट में अमोनिया बट जब इनको सॉल्वेंट्स के साथ देखा गया तो ये ऑर्डर कुछ उल्टा पुलटा था बिल्कुल सेम ऑर्डर तो नहीं मिल रहा था पहले हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट को कंसिडर करके चल रहे थे बट जब ये देखा गया कि सब में सेम तो ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो तब साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया एक्सपेरिमेंट्स के, के थ्रू कि और क्या रीज़न हो सकता है तब जाके हमें पता लगा कि दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं सो so उसका रीज़न क्या था है यहाँ पर एक सॉल्वेशन इफेक्ट भी काम करता है जैसे सॉल्वेशन होता है सॉल्वेशन में जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल हमें पता ही है अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में देखो प्राइमरी में दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो दोनों इंक्लूड कर सकता है अगर सेकेंडरी में देखेंगे सिर्फ एक हाइड्रोजन है वो वहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और टर्शरी में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा ठीक है ना सो so, यही रीजन है कि सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए देन सेकेंडरी देन टर्शरी अब ये दोनों तो बिल्कुल अपोजिट निकले तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे या हम कैसे याद रखेंगे तो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे स्टडी किया गया फाइनल कंक्लूजन ये दिया गया इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके कि गैश फेस में तो सॉल्वेशन इफेक्ट होता ही नहीं है तो उसमें सबसे ज्यादा थ्री डिग्री देन टू डिग्री देन वन डिग्री बट अदरवाइज हम देखें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या किसी और मीडियम में तो उसमें अगर हमारे पास सारे मिथाइल ग्रुप्स हो तो बेस सिटी सबसे ज़्यादा टू डिग्री की होती है देन वन डिग्री एंड लोएस्ट इज फॉर थ्री डिग्री बट इसी केस में अगर हम देखें हमारे पास जो आर ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप्स हो तो उस केस में टू डिग्री अमीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं देन थ्री डिग्री एंड लीस्ट आर दी वन डिग्री अमीन्स ठीक है सो ये ऑर्डर आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ थीज पॉइंट्स ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं और जो ऑर्डर्स आते हैं जिस जिस फेज में वो आपको बताने हैं ओके नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन वाई आर एरोमैटिक अमीन्स लेस बेसिक देन एलिफैटिक सो बच्चों यहाँ पे इन्होंने एरोमैटिक और एलिफैटिक अमीन्स की बेसिटी का कंपैरिजन कर दिया अगर इसको हम समझें ठीक है तो इनको हम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जो एरोमेटिक अमीन्स है वो कम बेसिक क्यों है तो जो एरोमेटिक कमीज होते हैं फॉर एग्जाम्पल हम एनलिन को कंसिडर करके चले तो जो एनलिन होता है बच्चों वो क्या होता है पांच कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसके पांच रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है थीके? इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हुए हैं आप देख भी सकते हो कैसे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपको एग्जाम में बनाने भी अगर ये क्वेश्चन आता है ठीक है सो एनलिन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फाइव कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अब इन पांच में से आप देख सकते हो कि तीन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके अंदर जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में इन्वॉल्व हो गया जो कि हमारे लास्ट थ्री स्ट्रक्चर्स है ना उसमें जो हमारे पास लोन पेयर था वो रिंग में इन्वॉल्व हो गया तो ऑब्वियसली जो उस अमीन्स की बेसिसिटी का रीज़न था उस लोन पेयर की प्रेजेंस जिसको वो शेयर कर पाए डोनेट कर पाए वो लोन पेयर ही नहीं रहा उसके पास मतलब है बट उसने किसी को भी दे दिया फिलहाल कि जैसे हो गया ना एक पर्सन तो यह है कि वो उसको कम कोई हमारी प्रॉपर्टी है उसको कंप्लीटली खरीदना चाहता है ठीक है और एक पर्सन ये जो उसको रेंट पे ले रहे है तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी को पहले ही रेंट पे दे दिया ठीक है तो अगर कोई ख़रीदने वाला आया तो मैं उसको एकदम तो नहीं बेच पाऊंगी ना मुझे उससे रेंट वाले से वापस लेनी पड़ेगी पहले वो प्रॉपर्टी तो वही चीज़ है नाइट्रोजन पे लोन पेयर था बट तो उसने शेयरिंग कर ली उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दिया तो अब उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं है शेयरिंग के लिए यही रीज़न है कि जो नाइट्रोजन की बेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और इसी वजह से ये अमोनिया से भी और एलिफैटिक कमीज के कंपेरिजन में भी एक वीकर बेस होता है क्योंकि नाइट्रोजन पर वो लोन पेयर कम अवेलेबल है एस कंपेयर टू एनलिन सिंपल एज कम्पेयर टू सिंपल एलिफैटिक अमीन और अमोनिया ठीक है जी सो so, इसमें आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो ये जो पॉइंट्स बताएँ वो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एलिफैटिक से कंपैरिजन किया तो आप एलिफैटिक का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि भाई एलिफैटिक अमीन्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो नाइट्रोजन का जो लोन पे है ज़्यादा अवेलेबल होता है शेयरिंग के लिए एंड उसका बेसिक कैक्टर इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू एरोमैटिक अमीन्स ओके नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये क्वेश्चन भी बेसिसिटी से रिलेटेड ही है एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑर्डर अमंग पायरेडीन एंड पिप्रोडीन वन मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है पायरेडीन और पिप्रोडीन का इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ठीक है आप स्ट्रक्चर देख सकते हो जो पायरेडी है उसमें जो नाइट्रोजन है वो sp2 टू है एरोमेटिक कंपाउंड है ये जबकि पिप्रोडीन सिंपल एक कंपाउंड है चेन कंपाउंड है ठीक है रिंग कंपाउंड और इसमें जो नाइट्रोजन है वो sp3 थ्री है ये रेजोनेस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा सो so, पायडीन में ऑब्वियसली जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल से समझा ये उसी की एप्लीकेशन है ठीक है पायरेडीन क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड है एरोमेटिक अमीन है सो इसमें ऑब्वियसली जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो कम अवेलेबल है क्योंकि वो ऑब्वियसली पहले से ही रेजोनेंस स्टेबिलाईज है तो जो पायरेडीन है वो लेस बेसिक होगा जबकि पिप्रोडीन में ऐसी कोई इश्यू नहीं है उसका लोन पेयर इजली अवेलेबल है तो वो ज़्यादा बेसिक नेचर शो कर पाएगा नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें आपको दो पार्ट्स पूछे गए हैं एक्सप्लेन औरतो इफेक्ट एंड सेकेंड पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन बेसिसिटी कॉन्स्टेंट दोनों ही अमीज के बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड हैं तो इन दोनों को हम एक बार देख लेते हैं अगर हम ऑर्थो इफेक्ट की बात करें तो बच्चों इसमें आपको मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ बता दिए अगर आपको आता है क्या क्या, क्या पॉइंट्स लिखने हैं इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट एक स्टेडिक इफेक्ट होता है जनरली एनलिन और बेंजोइक एसिड इसको शो करते हैं अगर हमारे पास देखो एक एनिलिन में एक पोजिशन तो एनिस्टू से ऑक्युपाइड है अगर उसके ऑर्थो पोजिशन में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या कोई इलेक्ट्रॉन विथ ग्रुप आता है तो जो भी ऐसा ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे लगेगा वो उस पर्टिकुलर एनलिन की या जो भी हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा अगर हम ऑर्थो पे सब्सिट्यूशन कर रहे हैं ठीक है उसका रीज़न क्या होता है जब ऑर्थो पे सब्सटीट्यूशन करते हैं तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है और जो एन एच टू ग्रुप है एनलिन का उसका लोन पेयर अब दी प्लेन चला जाता है यानी कि जिस प्लेन में रिएक्शन होनी होती है उससे बहुत ऊपर चला जाता है सो ऑब्वियसली रिएक्शन के टाइम पर वो अवेलेबल होता ही नहीं है एंड इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ उसको या बेसिक कैरेक्टर शो करने का मौका ही नहीं मिल पाता ठीक है सो so, उसकी बेसिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द सब्सिट्यूशन एंड ऑर्थो इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हंड्रेंस क्रिएट इस इफेक्ट को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर हम बेसिक ऑर्डर अरेंज करें तो एनिलीन का सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर होता है देन मेटानाइट्रो एनिलीन देन पेरानाइट्रो एनिलीन एंड द लीस्ट इज एनिलीन तो एनिलीन का लीस्ट कैसे होता है आपको समझ गए होंगे एंड एनिलीन का मेटा पेरा ऑर्थो तीनों से ही ज्यादा क्यों होता है क्योंकि ऑब्वियसली नाइट्रो ग्रुप क्या है इलेक्ट्रॉन विड तो वो बेसिसिटी वैसे भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा चलो दिस वॉज अबाउट द ऑर्थो इफेक्ट सेकेंड पार्ट जो पूछा गया है बेसिसिटी कॉन्स्टेंट यानी कि के बी अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखो जो हमारा बेसिटी कॉन्स्टेंट होता है वो ये बताता है कि जिस बेस की हम बात कर रहे हैं उसकी कितनी स्ट्रेंथ है वो कितना अच्छा बेस है और उसकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है एज अ बेस बिहेव करने की सो so इसको अगर हम डिफाइन करें इट इज़ द इक्विलिब्रियम ब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर अ बेस एब्सॉर्बिंग प्रोटोन फ्रॉम वाटर टू प्रोड्यूस ओ एच माइनस आयंस रिएक्शन आप देख ही सकते हो आर एन एच टू हमने बेस लिया उसका रिएक्शन कराया वॉटर के साथ तो क्या बन गया उससे प्रोटोन ऑफ स्टार्ट करने के बाद आर एन एच सी प्लस प्लस उसने ओ एच माइनस आइंस प्रोड्यूस किया तो इस रिएक्शन के लिए बेस कॉन्स्टेंट क्या होगा के बी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ आर एन एच सी प्लस इंटू ओ ओच माइनस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एन एच टू केबी की वैल्यू होगी यानी कि बेस की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी उतना अच्छा वो बेस होगा दैट मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी ग्रेटर द बेसिसिटी ऑफ अमी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बिल अमाइंड रिएक्शन सो कार्बे रिएक्शन भी एक नेम रिएक्शन है तो इसको भी हम सिमिलरली प्रोसीड करेंगे पहले बताएंगे किस लिए होती है सो कार्बे रिएक्शन में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं कार्बल बेसिकली ये प्राइमरी अमीन की रिएक्शन होती है एंड इसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कैसे वो भी समझेंगे सो so, ये हमारा इसका यूज़ हो गया ठीक है जी अगर हम रिएक्शन की बात करें कैसे रिएक्शन होती है तो इसमें हम एक प्राइमरी अमीन लेते हैं जिसको हम हीट करते हैं वार्म करते हैं विथ क्लोरोफॉम एंड एल्कोहलिक के ओ एच रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है एल्काइल आइसोसाइनेट जिसको हम कार्बिलमाइन भी बोलते हैं जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिसको हम आराम से डिटेक्ट कर पाते हैं सो so, क्योंकि हमने एकदम इसमें स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि कार्बेलमाइन रिएक्शन में हम सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्शन कर पाते हैं ना ही सेकेंडरी अमीन और ना ही टर्शरी अमीन कार्बेलमाइन रिएक्शन देते हैं सो so, इसी वजह से हम ये इजिली कंक्लूड कर सकते हैं कि एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है यानी कि अगर हमें प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करना है सेकेंडरी और टर्शरी से तो हम इस रिएक्शन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं नाउ मूविंग ऑन टू दी मैकेनिज्म सबसे पहले बच्चे रिएक्शन तो आप ये लिख ही लोगे आर एन एच टू प्लस सी एच सी एल थ्री प्लस के ओ एच गिवस आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस के सी एल प्लस एच टू सो दिस इज द रिएक्शन इफ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है जो सबसे पहले हमने क्लोरोफॉम लिया और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया वो रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट करते हैं जो कि अमीन पर अटैक करता है कैसे देखो जो सी सी एल थ्री है सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो ओ एच माइनस ग्रुप है ठीक है न्यूक्लियोफाइल है वो आके इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है हमारे पास बच जाता है सी सी एल थ्री विथ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन यानी कि कार्बन एन इसमें से सी एल माइनस के फॉर्म में निकल जाता है और बन जाता है सी सी एल टू दैट इज डाई क्लोरोकार्बी यही डाईक्लोरोबीन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है और आरनेस टू पर अटैक करता है बेसिकली डाईक्लोरोबीन में जो कार्बिन कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इन नेचर होता है जैसे अमीन क्योंकि अमीन बेसिक है उसके पास लोन पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन रिच है तो जैसे वो देखता है एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनडेफिशेंट स्पीशीज आई कार्बिन वो उस पर अटैक कर देता है और आ एन और सी यानी कि कार्बिन कार्बन और अमीन के नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है बॉन्ड बढ़ने के बाद नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ये अपने चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन जो उसके साइड में है उससे प्रोटोन में से इलेक्ट्रॉन एब्सट्रैक्ट कर लेता है और जो कार्बन है नेगेटिव जिसपे वो इस एच प्लस को एब्सट्रैक्ट करके अपने साथ जोड़ लेता है सो आप देख सकते हैं स्पीशीज क्या बनी आर एन एच सी एच सी एल टू इसमें से एक क्लोरीन माइनस की फॉर्म में निकल जाता है जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन साइड वाले बॉन्ड में ट्रांसफर करता है तो नाइट्रोजन पे प्लस और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया फिर से नाइट्रोजन अपने प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है साइड वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले लेता है और एच प्रोटोन की फॉर्म में निकल जाता है अब स्पीशीज क्या बनी आर एन डबल बॉन्ड सी एच सी एल यहाँ पर फिर से एक सी एल माइनस की फॉर्म में निकल जाता है ठीक है अब यहाँ पे क्या बच गया आर एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड सी एच सो कार्बन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है जब यहाँ पे हमारा बेसिक मीडियम आता है यानी कि जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसका ओ OH एच आके इस एच को एब्सट्रैक्ट कर लेगा एंड फाइनली स्पीशीज क्या बचेगी आर एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस इसी को हम बोलते हैं कार्बिलामाइन या फिर एलकाइल आइसोसाइनाइड इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है और जिसमें स्मेल आती है उससे ही हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन में प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है या नहीं so these are the points and the reaction and mechanism we have to mention in the answer moving on to the next question question number 15 explain halogenation reaction in aniline to get orthochloroaniline aniline, yani ke, agar aniline ka halogenation karai, तो ऑर्थो पोजिशन पर कैसे हमें क्लोरो ग्रुप मिल सकता है बच्चों जनरली जब हम एनोलिन का हेलोजिनेशन कराते हैं तो उसमें हमें ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटरी प्रोडक्ट मिलते हैं और ट्राई प्रोडक्ट मिलता है सो तो अगर हमें मोनो प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हमें उसकी एसिटाइलेशन करानी पड़ती है वही हम यहाँ पर भी करेंगे इनिशियली हम एनोलिन लेंगे उसका रिएक्शन कराएंगे सी एच थ्री सी ओ टू आइस ओ के साथ ताकि एसिटाइलेशन हो सी एच थ्री सी ओ एच निकल जाएगा और एक सी ओ सी एच थ्री ग्रुप एन एच के साथ जाके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा एसिटेनाइलाइट इसका जब हम क्लोरीनेशन करेंगे सी एल टू एड करके तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे हमें इसके सब्सटिट्यूटेड उसमें से जब हम डीएसिटाइलेसन करेंगे यानी कि सी ओ सी एस ग्रुप को रिमूव करेंगे तो हमें फाइनली ऑर्थो क्लोरो और पैरा क्लोरो मिल जाएंगे इनको सेपरेट करके फिर हम इजिली प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं सो दिस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन मार्क में आता है तो आप सिर्फ ये कन्वर्जन लिख सकते हो टू मार्क्स में आता है तो इसको आप स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दो कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट विल टेक एनलिन एंड डू इट्स एसिटाइलेशन देन वी विल गेट एसिटेनालाइड एसिटालाइड ऑन द रियक्शन विद क्लोरिन गिवस ऑर्थो एंड पैरा सब्सिट्यूट प्रोडक्ट तो इस तरह से आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बनाकर लिख सकते हो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब जो लास्ट के आपके थ्री फोर क्वेश्चंस बचे हैं उन सब में सिर्फ कन्वर्जन्स और रिएक्शंस हैं ठीक है कोई भी न्यू टॉपिक नहीं है क्योंकि जो भी आपके सारे टॉपिक थे चाहे वो बेसिसिटी हो प्रिपरेशन हो केमिकल रिएक्शंस हो सेपरेटिंग टेस्ट हो केमिकल टेस्ट हो वो सब हमने अब तक इन फिफ्टीन क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं और आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो अगर किसी भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो और आपको बाकी यूनिट्स के लिए भी ऐसा कोई वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक के लिए वीडियो की रिक्वायरमेंट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोविंग कन्वर्शन सो so, पहला कन्वर्जन पूछा गया इथेनामाइड इंटू मिथेनामाइड यानी कि सी एच थ्री सी ओ एन एच टू को हम सी एच थ्री एन एच टू में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें बिल्कुल सिंपल रिएक्शन होगी बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड ही सी एच थ्री सी ओ एन एच टू को हम बी आर टू के, के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सी एच थ्री एन एच टू प्लस के टू सी ओ थ्री प्लस ट्वाइस के बी आर प्लस टू एच टू हो गया कन्वर्जन सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड पार्ट में पूछा था एनलिन इंटू बेनसेनिलाइड तो सिंपल है एनिलीन लेंगे उसका रिएक्शन हम करेंगे के साथ, C6H5COCL, के बाद HCL निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा बोलते हैं साथ में एच सी एल मॉलिक्यूल रिलीज होगा सो तो इस तरह से कन्वर्जन हो सकता है तो अगर आपको कन्वर्जन आता है ये दो पार्ट से तो दो मार्क्स में होंगे तो इसमें आप सिंपली रिएक्शन लिख सकते हो मूविंग ऑन टू दिन क्वेश्चन हाउ विल यू ब्रिंग थीस कन्वर्जन्स तो इसमें भी आपको कन्वर्जन्स पूछी गई इसमें तीन पार्ट है तो तीन मार्क में क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट देखो इथेनामाइड टू इथेन अमीन सो इथेनामाइड यानी कि अमाइड से अमीन बनाना है तो हमें पता ही है हम सिंपली इसका क्या कर देंगे रिडक्शन कर देंगे अगर आपको इथेनामाइड से मतलब अमाइड से अमीन बनाना हो बट कार्बन आइटम रिड्यूस हो रहा हो तो हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करते हैं बट कार्बन नंबर सेम हो तो हम सिंपल उसका रिडक्शन कर देंगे यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एच थ्री ओ प्लस आयस सो हमें सी एच थ्री सी एन एच टू से क्या मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट मिथेनामाइन इंटू मिथाइल आइसोसाइनाइड सो इस रिएक्शन में बच्चों हम क्या करेंगे मिथेनामाइन क्या हो गया हमारा सी एच थ्री एन एच टू उसका रिएक्शन कराए हम है सी एच सी एल थ्री के, के कार्बेमाइन रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद हमें सिंपली क्या मिल जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड दैट इज सीएच थ्री एन ट्रिपल बॉन्ड सी और साथ में के सी एल प्लस वाटर द थर्ड कन्वर्जन इज इथेन अमाइंड इंटू इथेनॉल यानी कि अमीन से एल्कोहल बनाना है तो हमें पता ही है सिंपल सबसे रिएक्शन होता है इसका एच एनो टू एड कर दो तो एन एच टू ग्रुप में जब हम ऐड करेंगे एन ए एन ओ टू प्लस डायल्यूट एच सी एल तो हमें क्या मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एन टू प्लस एच टू ओ सो इस तरह से आप ये सारी कन्वर्जन्स कर सकते हो मूविंग ऑन टू द एटीन क्वेश्चन कम्प्लीट द रिएक्शन दो पार्ट से इसमें पूछे गए बस आपको सिंपल रिएक्शन कम्प्लीट करनी है बच्चों कन्वर्जन और रिएक्शन कम्प्लीशन के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो सो फर्स्ट पार्ट देखो सी सिक्स एच फाइव एन एच टू प्लस सी एच सी एल थ्री प्लस के एच तो हमें पता ही है ये कार्बिलामाइन रिएक्शन होती है और यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन के बाद आपके पास फिनाइल आइसोसाइनाइड यानी कि सी ए सिक्स एच फाइव एंड ट्रिपल बॉन्ड सी मिलेगा और केसिल प्लस वाटर तो ये रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो सेकंड पार्ट यहाँ पे आपको सी सिक्स एच फाइव सी यू एन एच टू दिया गया उसमें हाइड्रोजन ऐड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल तो हमें पता है ऑब्वियसली यहाँ पर रिडक्शन होगा एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा सी सिक्स एच फाइव सी एच टू एन एच टू प्लस एच टू ओ क्लियर चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो वॉट हैपन्स वेन एलनिन इज ट्रीटेड विथ सो ये दोनों रिएक्शन भी हम पीछे ना किसी न किसी टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एनोलिन का हम रिएक्शन कराएं एन ए एनओ टू और एच एल के साथ जो कि हम अभी भी ऊपर भी देख रहे थे ठीक है जब एन एन ओ टू और एच एल के साथ रिएक्शन कराएंगे एट टू सेवेंटी थ्री के एलविन तो क्या होगा इसको हम डायजेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली जो एन एच टू ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा एन टू प्लस सी एल माइनस ग्रुप में एंड इसको हम क्या बोलेंगे बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड सी सिक्स एच फाइव एन टू प्लस सीएल माइनस और साथ में आपका वाटर और एन एसीएल का फॉर्मेशन होगा दिस इज डायजटाइजेशन रिएक्शन मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट वॉट हैपन्स वेन एलिन इज ट्रीटेड विद सी सिक्स एच फाइव सी एल दैट इज बेन्ल क्लोराइड तो ये हमें पता ही है इसके साथ अगर हम इसका रिएक्ट कराएंगे ठीक है बेंजोइल क्लोराइड के साथ तो क्या होगा एन एच की प्रेजेंस में जो एन एच टू का एक हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या सब्सिट्यूट हो जाएगा सी ओ सी सिक्स एच फाइव और हमें क्या मिल जाएगा बेनजेन बेनजेनेली और हमारे साथ क्या फॉर्म होगा एक और मॉलिक्यूल एच सी एल तो एन एच टू का एच और सी सिक्स एच फाइव सी ओ सील का सी एल निकल के एच सी एल बना लेगा एंड फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बेनजेनली ठीक है जी सो इस तरह से आप अमीन का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ठीक है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा थैंक यू